प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, हम सब आपको ये उपहार प्रदान करते हैं। बदले में हमें वो सुरक्षा प्रदान करें जिसकी हमें आवश्यकता है। हे प्रभु, हमारी ये भेंट स्वीकार करें। आपका और हमारा खून एक हो जाए। इस खंजर के हर वार से हमारी आस्था आपके लिए बढ़ती जाए और प्रतिदिन हमारे अंदर प्रेरणा पैदा करते रहें, जो विश्वास अब हम आपके सामने रखते हैं। रुक जाओ, वो खंजर नीचे फेंक कमीने। पकड़ो इन्हें, एक एक को पकड़ो, छोड़ना मत। ये औरत शापित है, देख क्या रही हो, मारो उसे। बच्चा शापित है। इन सबको बाहर ले जाओ।
मार दो इन पापियों को, मार दो इन पापियों को। हमारे परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के खिलाफ धर्म त्याग के पाप के लिए व्यभिचार के घृणित अपराध के आरोप के लिए गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देना जो मानवता के खिलाफ है, गांव के लोगों पर अत्याचार करने के लिए एक ऐसा समुदाय है जिसमें बलात्कारी, शराबी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, इसके लिए और अन्य अश्लील अपराधों के लिए वादा करता हूं आपको आग की सजा दी जाएगी जो आपको प्रभु के अधिकरण तक पहुंचाएगी। तुम हमारे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं जला सकते, कोई भी लपटें हमारे विश्वास को नहीं जला सकती। हम सब अमर हैं, हम हमेशा लौटेंगे, इसलिए हम तुम्हारी आंखों को जला देंगे ताकि कोई रोशनी तुम्हें अंधकार से निकलने का रास्ता ना दिखा सके। हमारे भगवान को याद करो मेरे भाइयों, हमारा कार्य समाप्त हुआ, लेकिन दूसरे जो हमारे विश्वास को साझा करते हैं वो इसे आगे बढ़ाएंगे। शैतान के बच्चे को लेके आओ ताकि हम उसे शुद्ध कर सके। अरे कम अकल मूर्खों, बच्चे का बलिदान हमारी रक्षा करता, अब तुम सर्वनाश को रोक नहीं सकते। रोशनी और अंधकार एक बार फिर टकराएंगे और शैतान एक बार फिर दूसरी दुनिया से उठ खड़ा होगा। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक पागल के शब्द से डर गए क्या? हमारा भगवान हमें सर्वनाश से बचाएगा।
करना पड़ेगा। तो इस प्रतिक्रिया को हाँ मान लेने के फैसला करके आगे बढ़े। जो आज है वही प्रगति होगी आज के लिए और आगे। दुनिया की चौथी कम्युनिकेशन सैटेलाइट तबाह हो चुकी है। देशों के साथ जंग छिड़ चुकी है। न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया है। सभी अपने बचाव के बारे में सोचें। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो जितनी जल्दी हो सके अपने लिए एक सेफ जगह खोजें। आई रिपीट, अपने लिए एक सेफ जगह खोजें। दूषित जल का उपयोग ना करें। अगर आपको अपने शरीर पर कोई भी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे इमरजेंसी अथॉरिटीज को सूचित किया जाना चाहिए। सूचित करने के लिए अपने घर के बाहर एक सफेद कपड़े या रुमाल को लटका दें। डैड, क्या तुम्हें आसमान साफ लग रहा है? आज हवा भी साफ लग रही है ना? नहीं, ये हर दूसरे दिन की तरह है। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी बेचैन हूँ। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, है ना? तुम्हारी आंखें उन पर गई है। वैसे एक बात कहूं क्या? हम आज रात यही गुजारेंगे। कुछ नहीं, पता है मुझे आज वहाँ कुछ रेड बेरीज मिले और मैं सोच रही थी क्या मैं उन्हें खा सकती हूँ। मत खाना। दिखने में तो वो खाने लायक थे। बस आज के लिए काफी हो गया। फिक्र मत करो, वो खराब थे। क्या, तुमने वो खा लिए? हाँ, खाने के बाद मुझे भी ऐसा लगा। हाँ बस, या देखो अभी हम दोनों यहाँ हैं, ठीक है, इसी कोई दिशा में।
एक या दो दिन में हम वहां पहुंच जाएंगे। यही रेडियो ने भी कहा। हाँ, यही रेडियो ने कहा था। ये लो। आपको लगता है हम सेफ हैं? वैसे हमें अब तक कोई मिला नहीं है लंबे समय से, और अगर कोई हमारे रास्ते में आता है तो उसे ये वेलकम करेगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो, ठीक है? हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। तुम्हें ये जैकेट चाहिए, ठीक है, ले लो। देखो प्लीज प्लीज सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास और कुछ नहीं है। वो चले गए, सब ठीक है? तुम ठीक हो? लिली आंखें खोलो। सांस अब भी चल रही है। तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें बचाने के लिए यहां हैं। हमारे साथ चलो। पिछली बार और लोग थे। जल्दी चलो, अपनी बीवी को उठा लो। ये मेरी बेटी है। ठीक है, तुम इसे संभालो, हम सामान लेकर आते हैं। Thank you.
डरने की जरूरत नहीं, मैं केन हूं। मैं कहां हूं? तुम महफूज हो, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिग्नल कहीं पास से आया था, मेरा यकीन करो। जब तुम शिकार करने निकले तब तुम कितनी दूर गए थे? क्या तुम्हें कोई आउटपोस्ट या कोई गांव या ऐसा कुछ मिला क्या? मुझे नहीं लगता, बाहर कुछ भी नहीं है। Thank God. इन्होंने हमें बचाया। देखने दो, तुम पहले से बेहतर लग रही हो। कोई लेडी थी। जब मेडिसिन की बात हो, लिन से बेहतर कोई नहीं। आइए। पानी का बॉटल? हमारा पानी उबला और फिल्टर्ड है, हर सूरत में तुम्हारे पानी से शुद्ध। बाहर जाओ। हमारे फादर ने कहा है, नए लोगों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। आज शाम वो आपकी कहानी सुनकर खुश होंगे। जैसे कि मैंने कहा, आज का दिन हमारे लिए खास है। हाँ, वैसे हमें, मुझे उनसे मिलकर खुशी होगी। शुक्रिया। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। अच्छा सुनो, ये लोग जंगली तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी आबादी है और ये लोग इसे किला कहते हैं। और जानती हो, आज तक बाहर के गुंडे यहाँ घुस नहीं पाए हैं। आपको इन पे भरोसा है? नहीं, इन पर भरोसा? मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, तुम जानती हो लिली। तुम्हें लगता होगा कि ये लोग अजीब है, मतलब ये लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं। जब से दुनिया पागल हुई है तो बेशक ये लोग अजीब है, उनके पास कोई गाइड है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। और अगर आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है तो तुम कोई ना कोई तरीका खोज ही लेते हो जिंदा रहने के लिए। मुझ पर भरोसा है? तुम नहीं, तुम अभी कमजोर हो। देखो, उनके पास खाना पानी है, मुफ्त का खाना। उन्होंने हमें रुकने दिया बिना किसी कंडीशन के, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए जब तक कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। और फिर मैं उनके नेता से बात करूंगा, शायद वो हमें कोई जानकारी दे सके, फिर हम निकलेंगे कल सुबह ही। क्या आप उनसे आज नहीं बात कर सकते? नहीं, अभी नहीं कर सकते, कल करेंगे। अभी के लिए यही रुकते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? God damn it! अपनी हालत देखो लिली, तुम, मैं और ये बच्चा। मेरी बात सुनो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम यही रुकेंगे। फादर, हे भगवान, ये दुनिया तो पागल है। क्या तुम्हें उसकी कहानियों पर यकीन है? मुझे तो लगता है कि उसी ने ही अपनी बेटी को प्रेग्नेंट किया है। जो कुछ भी है, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। वो हमारी ओर ही देख रहा है। यहाँ के लोग कहते हैं ये जो फादर है ना इनका, वो हमेशा से यहाँ थे। मेरा मतलब, ये सबसे पहले। तुम्हें क्या लगता है?
मुझे भूख लगी है। शुक्रिया। शुक्रिया। एक रात एक सपने में मैंने आप सभी से विनती की, मेरे पास आई है। मैंने कहा कि मैंने दुनिया को मोक्ष दिलाने का तरीका ढूंढ लिया है और इस जगह को दिलाने के लिए मैं हमारे भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिसने कई वर्षों तक हमें बाहर के दरिंदों से बचाए रखा। हम सब भगवान के बच्चे हैं और उन्होंने हमें चुना है। एक और साल बीत चुका है और हमारे भाई बहन और बच्चे आज भी यहाँ सलामत खड़े हैं। भगवान से प्रार्थना करें जिन्होंने हमें ऐसे समय में भी भोजन और पानी से आशीर्वाद दिया है। हमारी मंजिल अब भी हमसे काफी दूर खड़ी है, मगर कोई भी दुखी मत होना। प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं और हमारे दिव्य कार्य को जारी रखने के लिए उन्होंने हमें दो नए भाई बहन भेजे हैं। लड़की भूखी है, भोजन शुरू करो। फादर, हम यह बुजुर्ग व्यक्ति काफी समय से प्रार्थना कक्ष में था। उसके बाद इस तरह की एक सुंदर और लंबे भाषण के बाद यह व्यक्ति थक चुका है। मुझे अनुमति दे कि मैं पहले अपना भोजन कर लूं। एक नई सभ्यता की शुरुआत, यही मेरा मकसद है। तो आप कह रहे थे कि रेडियो किसी दरिंदे का है? नहीं, वो उसका नहीं था, लेकिन उसके पास था जब वो मारा। फादर एबल, मैं आपका कंफ्यूजन समझ सकता हूं, लेकिन हम बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं उस आउटपोस्ट को खोजने। जहां हम खड़े हैं, मुझे लगता है कि यहां से सिर्फ कुछ दिनों का सफर होगा, बस कुछ दिनों का। तो मुझे ये जानना था कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी उस नैन, उन्हें दिखाओ। बिना जुबान स्वाद नहीं मिलता, फिर कैसी जिंदगी? देखो माइकल, तुम मेरे भाई हो। उस पल से जिस पल तुम यहां पहुंचे, मैं यहां सबसे बुजुर्ग हूं और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम दोनों को निराशा से बचाऊं। यहाँ के लोगों ने तुम्हें बताया होगा मैं यहीं पैदा हुआ था। मैं जमीन को अच्छी तरह जानता हूँ और मेरी बात मानो, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मौत और तबाही के, जो तुम पहले ही काफी सह चुके हो। जिस स्वर्ग की तलाश तुम अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, वह इस चार दीवारी के अंदर है और यह जमीन हमारे प्रभु की कृपा से उपजाऊ है। कितनी भी एकड़ हो, मेरा मतलब एक दिन बंजर हो जाएगा। तुम्हारे पिता का निर्णय सही नहीं ले ली। तुम इस नई दुनिया की किरण हो और वो तुम्हें खतरे में डालना चाहता है। मुझे देखने दो। हमें माफ करना, हमारा इरादा आपको अपमानित करना नहीं था। हमें माफ करना फादर, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, पर हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। तुम्हारी बेटी के इस खूबसूरत चेहरे को देखो, वह कमजोर और थकी हुई है, फिर भी इसके अंदर नया जीवन पल रहा है। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यही से मानवता की दोबारा शुरुआत होगी, चाहे तुम इससे मानो या ना मानो। तुम्हारा आना एक दिव्य संकेत है। वैसे आप मुझे भगवान पर विश्वास नहीं रहा
मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति हमारे धर्म का मजाक उड़ा सकता है। हम ऐसी चीजों में विश्वास रखते हैं जिसे हम महसूस कर सके, देख सके और अनुभव कर सके, और तुम उस जगह पर विश्वास करते हो जैसे तुमने देखा ही नहीं। एक खराब रेडियो के भरोसे अपनी बेटी को खतरे में डाल रहे हो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। माइकल, सुंदर कहानियां वह होती हैं जिनका सुखद अंत होता है। तुमने मुझे आज एक कहानी सुनाई, लेकिन इसका अंत मेरे पक्ष में नहीं था। यह दुनिया खत्म हो रही है, इसे मुझे बचाना है, और मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? जाओ, जाकर तैयारी करो। उसने कहा वो किसी भी वक्त आ सकता है। क्या खून निकल रहा है? इस कमरे में दिन ब दिन ये पद्म पत्रों में घुसती जा रही है, लेकिन तुम यहां लंबे समय तक रहोगे, इसका आश्वासन मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। मेरी बेटी कहां है? एक औरत के पास जीवन को उपहार है और तुम उसे हमसे दूर करना चाहते हो? भला इसकी अनुमति मैं तुम्हें कैसे दे सकता? तो तुम दोनों क्या करने वाले हो मेरे साथ, साले कमीने? ये प्राचीन गंध है जो मुझे मेरे पूर्वजों के इतिहास की याद दिलाती है। सदियों से वही भक्ति, वही अधिकार, वही साहस। तुम इसे नहीं समझोगे। तुमने उसके साथ क्या किया? तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो माइकल। तुम हमारे समुदाय का समर्थन करोगे, तुम और तुम्हारी बेटी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इस निर्णय से उसे खुशी होगी। उसका ख्याल रखो, भक्षण आ गया है। जी मेरे मालिक। माफ करना, मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम निराश मत होना। बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। कहाँ जा रहा है? वापिस आ। कहाँ है मेरी बेटी? ए, वापिस आ। ए, 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 ए। तुमने उसके साथ क्या किया? बेवकूफ लड़की, रोना बंद करो। लिन, लिन, हमारी मदद करो।
तुमने हमें क्या खिलाया? अगर तुम्हें पेड़ लगाना है तो थोड़ा पानी तो देना ही होगा। परिवार की सुरक्षा के लिए कुर्बानी देनी होगी। वो जीव हमें जीवित रखता है और बदले में उसे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए बस। और हम माएं उसकी इच्छा पूरी करती हैं, यही हमेशा से चलता आया है। तुम सब पागल हो। ये हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं है। इससे रिवाज और आस्था के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये हमारे समुदाय की जरूरतों को पूरा कर सकती है। हमारे बच्चे वो हमें सुंदर बनाएंगे। हमें दिव्य कार्य के लिए चुना गया है। रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी आज पूरी होगी। सब ठीक हो जाएगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी और प्रभु हमारे बीच इंसानी रूप में आएंगे और हमें एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे। और इससे पहले भी इंसानी रूप ले हमें उनके दिव्य रूप को देखने का सम्मान दिया गया है। हे प्रभु, पवित्र बलिदान के इस रात के पुण्य अवसर पर राग से मैं तुम्हारे भक्तों को बुलाता हूँ जिन्हें आग से सजा दी गई थी अज्ञानी और काफिरों द्वारा, ताकि वे आपके आशीर्वाद के माध्यम से यहां आकर हमारा उपहार स्वीकार कर सके। इसका शरीर अब आपका है। हो सके तो अपने आप को बचा लो। इसे अपना वफादार सेवक बना लो और इस शरीर को आप अपना पवित्र मार्ग बना लो। मार दो इन पपियों को। इस बच्चे द्वारा आप पुनर्जीवित हो जाओ। कोई भी नहीं बचेगा। इसके अंग आपकी देवी शक्ति की नींव बनेंगे। नहीं छोड़ोगे। आपके पवित्र खून से हमारे लोगों का आशीर्वाद दे ताकि हम इस किले की रक्षा कर सकें। Ah!
नरक के द्वार खोल दो और अपने क्रोधपूर्ण शूरवीरों को उस अंधेरे से और जंजीरों से मुक्त कर दो। क्या देख रहे हो? रोश न करो।
मुझे माफ कर दो, कृपया उपहार स्वीकार करें। चाहोगे हमारे प्रभु ने दूसरी औरत भेजी है। मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो। मेरे पिताजी कहाँ हैं?
आपका सेवक हूं। मैंने हमारे प्रभु की सेवा की है, मैं उसका पुजारी हूं। अनुष्ठान अनुष्ठान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक और गर्भवती महिला है, हम उसे प्रभु को भेंट दे सकते हैं। मेरी बेटी के पास ले चल। इतनी जोर से नहीं, वो हमें देख नहीं सकते लेकिन हमें सुन सकते हैं। वो किस तरह के दरिंदे हैं? समारोह सफल नहीं हुआ, ये सब तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे समझना भी नहीं है, तू मुझे लेने के पास ले चल, बात समझ में आई? हमें यहाँ से निकलना होगा, मेरे पास चाबी है। अगर तुम यहाँ नहीं मरना चाहते तो मेरे साथ आ सकते हो। मेरी बात सुन, तू मुझे उसके पास ले चल, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कहाँ जाना है। और मुझे पता है वहाँ कुछ भी नहीं, हमें निकलना होगा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बेटी के पास ले चल, वरना तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, समझा? ठीक है, ले चलूंगा, पर जल्दी निकलना होगा। मेरे पिताजी, क्या वो जिंदा है? हम कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, वो बैकपैक वो यही है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ले, वो वहां है। ले, वो हमसे पहले यहां आ चुके हैं। अब तुम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तुझे मार दूंगा। कहां है मेरी बेटी? बस करो, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? तुम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। क्या किया तुम लोग ने उसके साथ? प्लीज बताओ। बच्चा कोख में ही मर गया, अब वो हमें सजा देना चाहते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बेटी उनके कब्जे में है, पर हम अभी निकल सकते हैं। नहीं, मेरी लिली अभी जिंदा है और यहां से कोई नहीं निकलेगा जब तक वो नहीं मिलती। तुम पागल हो, तुमने देखा ना वो क्या कर सकते हैं। तुमने नहीं रोक सकते। Ha ha ha!
शुक्र है तुम अब भी जिंदा हो, वो हर जगह है। लेन, तुम मेरी बेटी को जानती हो। बस करो, छोड़ मुझे। वो बंदी है। I'm sorry। हमारे पास अब भी वक्त है, हमें निकलना होगा। हरगिज नहीं, मैं यही रुकूंगा। जो दिल में आए करो, पर मैं निकल रहा हूं। तुम साथ आ रही हो? भाड़ में जाओ तुम दोनों। तुमने देखा है उन्हें, तो तुम जानती हो वो कहाँ है। उसके पास ले चलो, उसके पास ले चलो। बेटी से दूर हट कभी नहीं। पिताजी, thank you.
यही रुकना। Thank you.
तो तुम सही हो? यहां कुछ नहीं है। मैं चल के थक गई हूं। क्या उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा? हमने उसके किले को छोड़ दिया था। हम एक नई शुरुआत करनी थी, एक नया समुदाय बनाना था। फिर महामारी फैली, सब कुछ खत्म हो गया। और अब ये जगह और बाहर की दुनिया में कोई अंतर नहीं रहा। हम कभी सुरक्षित थे ही नहीं। फिर उन्होंने हमला कर दिया। और जो लोग बच गए वो वापस किले की ओर चले गए उनके भगवान की शरण में, ताकि वो जिंदा रह सके। मेरे पिताजी का विश्वास था कि अगर हम यहाँ पहुंचे, यहाँ कुछ नहीं बचा है। हमें उम्मीद थी, लेकिन वो पागल आदमी सही था। अब उनके लोगों के अलावा कोई नहीं बचा है। मर गए, वो सब मर गए। तो ये मानवता की नई शुरुआत, तुम्हारा बच्चा, तुम इंसानियत को बचा सकती हो। नहीं, सब गायब हो गए। तुम शापित हो, वो दोबारा जरूर आएंगे उनका बच्चा लेने। तुम उससे बचकर नहीं जा सकती। तुम्हारे अंदर का ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं है। तुम और वो अब इस दुनिया के भविष्य हो। प्लीज उनका ख्याल रखना। प्लीज उनकी मां बनकर Yeah.
कौन है? मेरा बच्चा